ये डेट पे कब हुआ? डेट पे डेट तो तुम रोमेनियन के साथ गए थे? नहीं मैं स्पेशल नहीं हुआ, अभिषेक सब लड़की के साथ लड़ करते हैं। ये रोमेनियन क्रू के साथ डेट पे गया था? नहीं नहीं, मुझे मैंने तो बहुत एंजॉय किया सच में, मैंने तो किसी ने एंजॉय किया। अरे शिमोना जी क्या खा पी के आई है यार? बट आई थिंक, अरे सुनो सोचो। सो ये कुछ एक कॉकरोच वॉकरोच लेके आज डालते हैं, है ना? क्या एनी बेटर? शिमोना जी को तो किसी चीज का फोबिया नहीं था भाई। शिमोना जी करेंगे कॉकरोच वहां पे भी है ना, इतनी दूर करेंगे यही सही। मतलब कुछ फोबिया ओवरकम नहीं हुआ अभी तक कॉकरोच के साथ ठीक नहीं हूँ। इंग्लिश तो मुझे इंग्लिश हम सबकी खराब हो गई इसके और रोमेनियन के चलो हमारी इंग्लिश खराब। लहजा का मतलब बताओ, लहजा का मतलब तो किसने गलत फहमी बताई है? लड़कियों को इम्प्रेस कर ले, शिमोना जी बहुत झूठ बोल रही है। कहाँ इम्प्रेस किया मैंने? सारा आंखें दिखाई दी क्यों तुम्हें? सारा कहाँ इम्प्रेस हुई है? सारा दी एक मेकअप क्रू में बहुत वो डीप डीप बातें चल रही हैं। व्हाट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स, ये बहुत डीप बातें चल रही हैं गाइस। ये पर्सनल कन्वर्सेशन बाहर प्लीज, वन ऑन वन प्लीज। या वन ऑन वन प्लीज। ये आपको जुलाई 27 every Saturday and Sunday 9:30 ये आपको सितंबर अक्टूबर में जुलाई से, पर उसके लिए आपको जुलाई से देखना पड़ेगा। यस डेफिनेटली। ओके लास्ट क्वेश्चन, पर यस जो आई डोंट नो कौन बोला था, पर आई बिलीव ये सीजन आप बताओ। जी मेरे से स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि वो जो शो है वो वो जो शो है खतरों जो शो है उसमें हमें अगर अपने आप को प्रूव करना है तो हमें स्टंट करने पड़ेंगे। वो स्टंट वाला शो है ना कि बोलने वाला। तो अगर आप उसको भी वही शो समझ रहे हो, आई थिंक बिग बॉस इज अ डिफरेंट शो, खतरों इज अ डिफरेंट शो। एक अगर कोई डांस शो हो रहा है वो डिफरेंट शो होता है। तो अगर हम डांस शो में गए, अगर हम वहां पे भी फाइट कर रहे हैं और हम डांस नहीं कर रहे तो उसका कोई मतलब नहीं। आई थिंक अगर हम खतरों में हैं तो हमें स्टंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ना कि हम लड़ाई पे में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर कोई एक बार बोल रहा है दो बार बोल रहा है निगलेक्ट कर रहे हो अवॉइड कर रहे हो, तीसरी बार वो अवॉइड नहीं होता। तो स्टंट इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन सिर्फ बोलना। ये कब हुआ? डेट तो तुम रोमेनियन के साथ गए थे? नहीं मैं स्पेशल नहीं हुआ, अभिषेक सब लड़की के साथ लड़ करते हैं। ये रोमेनियन क्रू के साथ डेट पे गया था? नहीं नहीं, मुझे रोमेनियन लड़कियां बहुत सुंदर लगी। बहुत ज्यादा भाई, बहुत सुंदर थी यार। मैं लड़कों को तो बता दूं भाई, जाके आना एक बार। शी इज कमिटेड, तो वो है अभी। हाँ यार बहुत सैड हूँ मैं। आप भी पूछोगे? सच सच बताओ। जी सर, अगर मैं अभी बता दूंगा तो टीआरपी कम हो जाएगी। बस मैंने तो बहुत इंजॉय किया सच में, मैंने तो किसी ने इंजॉय किया। अरे शिमोना जी क्या खा पी के आई है यार? बट आई थिंक, अरे सुनो सोचो। आई थिंक लोग एक्सपीरियंस बनता है, और आई थिंक हमारा बैच बहुत सही था। सब लोग बहुत, ये कॉम्पिटिशन है पर सब लोग बहुत मोटिवेटिंग था, और सब लोग बहुत दूसरे को सपोर्ट भी किया। और हम बहुत ही पॉजिटिव बंच था जो क्रू, क्योंकि कंटेस्टेंट्स तो एवरी ईयर नए आते हैं। हम जेन्युइनली खुश था जब एक इंसान अच्छा काम किया, और हम जेन्युइनली सैड था जब मे बी यू नो
किसी ने नहीं अच्छा किया या स्टंट परफॉर्म नहीं हुआ था या कोई परफॉर्म नहीं कर पाता था तो एक्चुअल में बुरा लगता था. और बहुत सब इतने अच्छे लोग थे, हम सब लोग इतने घुल मिल गए थे एक साथ कि बहुत मजा आ रहा था एक इंसान के जाने के बाद. तो मजेदार एक्सपीरियंस खुद के लिए बात कर. सो ये कुछ एक कॉकरोच वॉकरोच लेके आज डालते हैं है ना क्या एनी बेटर. शुमोना जी को तो किसी चीज का फोबिया नहीं था भाई. शुमोना जी किसी से नहीं डरती थी. शुमोना जी किसी भी चीज से डरे ही नहीं था इनको बिल्कुल. अच्छा ये वाला कर ले ये वाला कर ले ये तो कर ही लूंगा बट एक्चुअली और इनको तो था अगर इनके कॉकरोच वहां पे भी है ना इतनी दूर करेंगे यहीं से. मतलब कुछ फोबिया ओवरकम नहीं हुआ अभी तक कॉकरोच के साथ ठीक नहीं हूँ. पर मतलब मैं बहुत खुश हूँ वो मौका मिला यू नो बिकॉज रेगुलर लाइफ में ये सब चीज आप कभी नहीं कर सकते. तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा ब्लेसिंग था, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी था. और आई थिंक आप लोग को बहुत मजा आएगा. हिंदी मैंने सिखाई है. इंग्लिश तो मुझे इंग्लिश हम सबकी खराब हो गई इसके और रोमेनियन के चक्कर में हमारी इंग्लिश खराब. लहजा का मतलब बताओ. लहजा का मतलब तो हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी होती थी. मैं हिंदी में कुछ ऐसा लव्स जैसे लव्स इसको पता नहीं हो लव्स यूज कर लेता था. बोलते लव्स का मतलब. अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे बताऊं. मेरे आसपास कोई है नहीं इंग्लिश में बताने का. मैंने कहा तुम तीन चार ऑप्शंस दो मैं तब बताऊंगा कि अच्छा इसमें से ये चूज कर लो आप. अच्छा अभिषेक भाई जी सर, सर आपको किसने गलत फहमी बताई है लड़कियों को इम्प्रेस कर ले. शुमोना जी बहुत झूठ बोल रही है. कहाँ इम्प्रेस किया मैंने. सारा आंखें दिखाई दे गई. सारा कहाँ इम्प्रेस हुई है. सारा दी एक मेकअप क्रू में बहुत सुंदर थी वो भी. रोमेनियन रोमेनियन. मैंने रील भी बनाई है उनके साथ. वो भी कमिटेड थे. पर इनको इनको देना है वो बहुत बहुत एफर्ट डालते हैं. बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है. बहुत ट्राई करते हैं. किस पे. सब चीज पे. कई कईयों में मैं ट्राई नहीं करता पर वो खुद ब खुद हो जाता है. अब मैं क्या करूँ. जैसे मुंबई शॉट के बारिश के गाने में डांस किए या नहीं. आप गाने बहुत सारे आ रहे बारिश पे. व्हाट आर यू डूइंग. यू आर डांसिंग ऑन सॉन्ग्स. व्हाट अरे नहीं यार. व्हेन यू सी द शो यू नो. मुझे फोबिया किसी पर्टिकुलर चीज का जैसे इसको क्रीपी क्रॉलीज या इसको पानी का क्लॉस्ट्रोफोबिया तो वैसा कोई पर्टिकुलर फोबिया नहीं था. बट कोई भी स्टंट जो कोई भी नॉर्मल स्टंट नहीं था सभी डिफिकल्ट स्टंट्स थे. करने के पहले सबकी फटती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट कृष्णा ने स्विमिंग खतरों में सीखी है. इसको पहले आती अरे हाँ सही बोला है जो अभिषेक बोल रहा है वो सही है. करते करते बेस्ट स्विमर हो गई वहाँ की सच में. अभिषेक मेरा टीचर है. मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता भाई. मैं पानी से बॉर्डर एक फोबिया में छोड़ा हूँ. लिफ्ट वाला पानी वाला लेके आया हूँ भाई. तुम आज लिफ्ट में आए थे. हाँ कृष्णा के साथ. या एक्चुअली वो लिफ्ट में आया. आई थिंक यू नो जो मुझे बहुत पसंद लगा था. हम सब बहुत अलग अलग पर्सनालिटी है पर हम बहुत मतलब हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ सबके साथ. तो आई थिंक यू नो जकूजीज everything yeah everything वही बोलने लगा था कि मैं first time जकूजी में गया था. मुझे पता ही नहीं था क्या होता है. फिर इसने बताया कौन सा वाला फील है वो जो अमीरों वाला मैं बोल रहा था अमीरों वाले जकूजी में जाना. तो हमारे दो थे एक हमारे होटल में था एक बगल वाले में था जहाँ पे ये क्रू अमीर लोग रहते थे हम लोग गरीबों वाले. तो पहली बार अमीरों वाले जकूजी में गया और कृष्णा ने बताया कि इसमें से प्रेशर आता है तो पीठ शोल्डर ये सब ठीक होते हैं. तो मैं तो वहीं बैठा रहता था. मैं क्या वाह क्या लाइफ दे रहे हैं कलर्स वाले. ये आप जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेके आते हो ना यहाँ बैठ के आप सोचते हो ना पहले बैठ के अच्छा 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 अब ये बनाती हूँ मैं. हाँ बताइए झगड़े झगड़े
नहीं मैम, रोहित सर ने एक चीज सिखाई थी कि जो हो गया, जैसे मैं स्टंट परफॉर्म अच्छा नहीं कभी कर पाया तो मैं बहुत सैड हो जाता था कि यार अच्छा नहीं हुआ, तो सर ने मेरे को एक चीज सिखाई, जो हो गया ना उसको वहीं छोड़ दे और आगे बढ़। तो मैंने वो अपनी जिंदगी में भी अप्लाई किया कि जो हो गया अगर मेरा लास्ट डे खराब है तो मैं उसको साथ में लेके आगे नहीं चलूंगा, मैं एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की ट्राई करूंगा, तो मैं वहीं पे छोड़ा। रोहित सर ने इस सीजन के सारे कंटेस्टेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं और ये भी कहा है कि बेस्ट यू नो सीजन रहा है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस अवार्ड, किसने किया था सबसे ज्यादा? ये तो वो सीजन है जिसमें हार्डली कोई अवार्ड हुआ है, सो बट आई थिंक सब आपको 27 जुलाई से ना रात को 9:30 बजे प्लीज देख लेना, आप लोग देख लेना यार, एवरी सैटरडे संडे कलर्स टीवी पे। ये आपको जुलाई 27 एवरी सैटरडे एंड संडे, ये आपको सितंबर अक्टूबर पर उसके लिए आपको जुलाई से देखना पड़ेगा। यस डेफिनेटली। पर यस जो आई डोंट नो कौन बोला था पर आई बिलीव ये सीजन यू नो बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा ऑडियंसेस के लिए, बिकॉज सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स था, तो एंड तक तुमको पता नहीं चलेगा कौन जीत सकता है। सभी ने बहुत अच्छा भी किया है और फिर बहुत बुरा भी किया, पता ही नहीं चलता था कौन जीत जाता है। तो यू नो हर सीजन में, आई थिंक लास्ट सीजन में आल्सो क्रू लाइक क्रू भी हमें बोल रहा था कि यू नो डीनो कंसिस्टेंटली बहुत, तो मिडवे थ्रू यू नो, तो वो नहीं होगा इसमें, एवरीवन विल बी सिटिंग ऑन द एज कि अब इसने अच्छा किया, अब इसने अच्छा नहीं किया, अब अच्छा किया, अब अच्छा नहीं किया, तो वो तो स्टंट्स में भी मजा आएगा और आपको ड्रामा भी भी दिखेगा। तुम भी थी ड्रामे में। थैंक यू।